नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो शेयर है वो टाटा पावर। टाटा पावर में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, टाटा पावर के बारे में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं। मैं इसमें टाइमली 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर या 15 डेज के अंदर आपको इसमें कॉल देता रहता हूँ। टाटा पावर के अंदर जो हमेशा ब्रेकआउट का रिवर्सल आते हैं, रिवर्सल के बाद फिर से ट्रेंडिंग आता है, तो मैं आप लोगों को उसमें प्रॉफिट बुकिंग करवाता हूँ, यानी कि उसमें आपको आपकी कैपिटल ग्रोथ कराता हूँ, आपको एंट्री करवाता हूँ और एग्जिट करवाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो टाटा पावर का बेसिकली काम क्या है? पावर प्लांटिंग करना, पावर को मैन्युफैक्चर करना, पावर को रिन्यूएबल एनर्जी बनाना, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ें पावर, इनका नाम से समझ आ चुका, टाटा पावर के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना। आज देख सकते हैं कि जिस तरह से तेज़ी चल रही है पावर सेक्टर में, वो तेज़ी देखने वाली है। जैसे कि कल मैंने प्रीवियस में, यानी सैटरडे को जब मैंने JP पावर पे जब कॉल बनाया था, जब मैंने आपको बताया था अगर 5:30 ऊपर क्लोज करता है और 5:30 के ऊपर कल मंडे के दिन ट्रेडिंग करता था, डेफिनेटली इसमें 7 रुपये के, अब 7 रुपये के 10 दिन के अंदर, इस वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक में 7 रुपये तक के लेवल दिख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आज उसने 6:30 का हाई मारा और 6 रुपये के आसपास ट्रेड करा, 5:50। तो उसमें नई हाई आने को तैयार बैठे हैं, नई हाई मूवमेंट की तरफ जा रहा है JP पावर। तो चलिए हम टाटा पावर की बात करें। तो टाटा पावर के अंदर ज़्यादा कुछ तो है नहीं, इनका पावर सप्लाई करते हैं, EV चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, EV चार्जिंग सोलर रूफ बना रहे हैं, सोलर पंप्स बना रहे हैं, सोलर मॉड्यूल एंड सेल्स बना रहे हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ों का काम कर रही है कंपनी, होम ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का काम है कंपनी का, टाटा पावर का। बेसिकली टाटा पावर के Q2 के रिजल्ट के ऊपर भी मैंने बात की थी, और मेरी प्रीवियस वीडियो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज समझता हूँ टाटा पावर में चल क्या रहा है, क्या वजह है तेज़ी की, वो देखते हैं कितना ट्रेंडिंग है वो देखते हैं। अभी ये यानी कि आज 13 दिसंबर है, दिन के 1:30 बज रहा है, लाइव मार्केट ओपन है। तो मार्केट के अंदर अभी ये 1.5% की तेज़ी से ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। तो ये ओपन होता है आज 230.10 रुपये पे, हाई मारता 236.50 रुपये का, लो मारता 229 रुपये का, 52 हाई है 267.85 रुपये, 52 लो है 66.40 रुपये का। 5 दिन के अंदर अभी तक इतने हमारे को 3.5% रिटर्न दिए अभी तक इसने, 1 मंथ के अंदर अभी तक माइनस में दिया, क्योंकि 1 मंथ से शेयर चला नहीं है बिल्कुल भी। 6 मंथ के अंदर अभी तक इतने 84% रिटर्न दिया पॉजिटिव में, ईयर टू डेट के अंदर अभी तक इन्हें 200+ में पॉजिटिव साइन दिए, यानी पॉजिटिव रिटर्न दिया इसने। तो ये इसका ओवरव्यू अभी देखते हैं, इसमें NSE के अंदर कितनी डिलीवरी उठा दी गई अभी तक, इसमें 12 बजे तक इसके अंदर ये देखिए 35% डिलीवरी उठा देगी, ये अच्छा इंडिकेशन है 35% डिलीवरी उठाना। थोड़ा सा शेयर होल्डिंग देख लेते हैं इसकी, तो पब्लिक के प्रमोटर के पास है 46.86, पब्लिक के पास है 21.64, DISS के पास है 24.44 एंड FIs के पास है 11.06। ये इसकी शेयर होल्डिंग है, मोटा मोटा आपको समझा दिया है। अब समझ सकते हैं चार्ट के अंदर किस लेवल पर एंट्री करना, किस लेवल पर एग्जिट करना। ये देखिए इसका मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया है, डेली चार्ट पर देख सकते हैं आप किस तरह से यू कैटेगरी में शेयर ट्रेड कर रही है। देखिए इस तरह से फिर से रिवर्सल हुआ है, यानी आज जो शेयर ट्रेडिंग कर रहा है, यानी 1 वीक की हाइस पे ट्रेड कर रहा है शेयर इस टाइम पे। ये देखते हैं सारी कैंडल को कवर करके न्यू कैंडल बन रही है, इसका मतलब 1 वीक की हाइस पे ये। तो ये देखिए इस कैंडल का मोटिव क्या है, तो ये देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है आज के दिन भी, कल के दिन भी बनी थी। तो हमें जो स्टॉप लॉस ना इसमें रखना है, आपको स्टॉप लॉस 225 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय करिए, कितने का 225 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है आपको। पहला टारगेट मेरे यहाँ से आएगा, पहला टारगेट यहाँ से आएगा 240 रुपये का, और 250 तक के लेवल इसमें इंस्टेंटली दिख रहे हैं, क्योंकि 10-15 दिन में 250 तक के लेवल दिखे, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है 250 तक की कैंडल बनी है, और इसी कैंडल के स्टार्टिंग हुई है, इसी कैंडल से ही देखेंगे आप। तो जो एक कैंडल बनी थी इसी कैंडल का, इसका बॉटम है, इन दोनों कैंडल का बॉटम यही से, इसका भी बॉटम यही से है। तो अब ये जा रही है कैंडल, ये जा रही है 260 तक की, तो हम इस कैंडल को ही सपोर्ट कर मान के इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो ये देखिए MACD बिल्कुल नेकलाइज पे, और RSI हमारा 50 के अबोव है इस टाइम पे। तो हमें क्या करना है, डेली चार्ट पे देखिए इंडिकेशन आ रहा है इसके अंदर, तो हमें इसके अंदर बाय करना है 225 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। तो पहला टारगेट 240 का, दूसरा टारगेट 245 का, तीसरा टारगेट 250 रुपये का, 3 टारगेट में बाय करिए पिछले होल्ड, क्योंकि ये जो कैंडल बन गया यहाँ पे, जो देखिए यहाँ पे फिर से विक्ट्री गया था, फिर से डबल टॉप बॉटम बना रहा है। तो ये जो चार्ट का इंडिकेशन दे रहा है, इस चार्ट का इंडिकेशन है, जो जैसे ये 21 डेज के एवरेज वो क्रॉस करेगा, तो देख लिए आपको दो ट्रेडिंग सेशन है, जैसे ही क्रॉस मूविंग करेगा यहाँ पे, तो आपको नए हाइज देखने को मिलेंगे यहाँ पे, फिर से 250 तक के लेवल दिखा सकता है आने वाले टाइम पे ये। तो हमें क्या करना है, 225 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, पहला टारगेट 240 का, दूसरा टारगेट 245 का, तीसरा टारगेट 250 का, 3 टारगेट बाय करिए पिछले साल होल्ड रखिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।